हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टेरेस गार्डन की सैर कराती हूँ। आज मैं 2 दिन बाद आई हूँ। अब देखती हूँ इसमें क्या क्या बिगड़ा है, क्या क्या सुधरा है, क्या लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा देखिए, ये बैंगन के पौधे तो थोड़े ख़राब होते ही जा रहे हैं। इसमें ये बैंगन लगे हुए हैं। ये है बैंगन का, ये वाइट वाला है। इसमें भी अभी ऐसे ही लगते हैं बहुत कम। अब ये लगा है, बस एक लगा हुआ है और नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ भी। ये भिंडी लगी हुई है, ये मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। 2 दिन से नहीं आई थी तो ये इतनी बड़ी हो गई है। मैं भी इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ सबको, नहीं तो ये अब पक जाएंगे। आज नहीं अगर तोड़ी तो पक जाएंगी फिर। ये भी है, ये देखिए, ये देखो, ये इसमें कीड़ा, ये कीड़ा लगा है और ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि सारे पौधे को खत्म कर देगा। ये और ये कई जगह लगे हुए हैं। अब ये मुझे ढूंढ ढूंढ कर ये निकालने पड़ेंगे। ये देखो इस तरीके से है। ये देखो, ये भिंडी, ये अच्छी बड़ी हो गई है। ये तो मुझे लग रहा पकी गई, इसको छोड़ ही देती हूँ। ये तो ये छोटी वाली है, इसको तोड़ लेती हूँ। ये बाकी मिर्ची का, ये बेल उसकी है लौकी की। इतना बारिश में भी इस पर पानी नहीं पड़ पाया तो ये सारा मुरझा रही है। ऐसे ये भी, इसमें पानी नहीं मिला अब 3 दिन से, तो मिर्च का पौधा भी मुरझाया हुआ है। बाकी ये सारे पौधे, ये सब अच्छे हो रहे हैं क्योंकि ये खुले में हैं। ये मिर्च के पौधे हैं, इसमें भी देखो ये मिर्च अब शुरू होगी। ये एक मिर्च तो अभी दिखाई दी है मुझे, बाकी फूल तो बहुत आ रहा है। अब देखो, अब तो मिर्च लगनी शुरू हो ही जाएंगी। ये भिंडी और एक दिखाई दे रही है, इसको भी तोड़ लेती हूँ मैं। इनको एक दिन भी छोड़ो तो भी ये फिर पकनी शुरू हो जाती हैं, बेकार। का दिखाती हूँ, ये देखे, ये मेरी लोबिया की फली लगी हुई है, ये भी अब तोड़ने लायक हो गई हैं। इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ वरना ये भी पक जाएंगी। ये देखो, ये सब दिखाई दे रही हैं, ये सब हार्वेस्ट करनी पड़ेंगी मुझे आज। ये मिर्च का है, ये फिर भिंडी, ये वही फूट कचरी की है, सूख जाती है फिर नई ब्रांच निकल आती हैं, ये अभी चली रही है। इधर है ये मेरा ग्वाल फली के थे, 5-6 ही पौधे थे, वही सूख गए, उसमें एक बार भी जो है नहीं निकल पाई, सब सूख गए। अब इसका पता नहीं लगता कि मैं इनको उखाड़ के फेंकूँ क्या करूँ, क्योंकि फिर दोबारा ये हरे हरे होने शुरू हो गए हैं। पोए की बेल की तो कोई कमी नहीं है, वो तो अंधाधुंध फैलती चली जाती है। ये देखो, वो पूरा नीचे ज़मीन तक आती जा रही है। ये एक उधर जा रही है, ये उसके हैं मिर्ची के पौधा, ये भी पुराना ही है। ये भिंडी का है, ये भिंडी भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ इसमें से। ये लौकी की बेल चल रही है लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग भी नहीं है। ये इधर मिर्ची के पौधे हैं, इसमें भी ये सुकड़ा सुकड़ा लग रहा है लेकिन इसमें आ रहा है, बर्ड्स तो आ रही हैं। देखो मिर्ची आती हैं या नहीं होगा तो फिर उखाड़ के फेंक दूंगी। ठीक हुआ तो पहले इसमें दवाई डाल के सही करने की कोशिश करूंगी, और नहीं हुए तो मैं फिर उखाड़ दूंगी। ये मैंने वो अपराजिता की डाल दिया था तो उसकी भी फली आनी शुरू हो गई अपराजिता में, ये मुझे आज ही नज़र पड़ी है। एक ये है, एक ये है। ये अमरूद का लगा हुआ है प्लास्टिक पॉट में,
लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आई, कई साल का हो चुका है ये। ये फिर भिंडी, इसको तो हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। ये मक्के का था, भुट्टे का, ये बंदर ने खा के ख़राब कर दिया, मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, अभी उखाड़ा नहीं है उसको। ये फली, ये भिंडी, ये भी अब लग रहा है पकी गई है शायद, ये भी पकनी शुरू हो गई। ये भी है, किसे भी तोड़ लेती हूँ, लेकिन ये तोड़ तो रही हूँ मैं, मुझे नहीं लग रहा ये काम आएंगी। ये छोटी छोटी पकनी शुरू हो जाती है, मोटी हो जाएंगी और पक जाती हैं बस। चलो मैं इन्हें तोड़ ही लेती हूँ, क्या फ़ायदा छोड़ने से भी। एक ये लगी है, इसको भी तोड़ लेती हूँ, ये तो दिखाई भी नहीं दे रही थी, इसके पत्ते के साथ में है। ये तोरी की बेल है, इसमें अभी फ्लावर तो कुछ हुआ है, दो चार आए हैं, लेकिन अभी फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी वो आना अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। ये बैंगन का है, बैंगन पौधे ज़्यादातर सब खराब हो रहे हैं, ये तो अभी ठीक है। ये अपराजिता की मैंने इधर लगा दिए थे बीज, तो वो भी बेल फैल गई है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये तोरे की चल रही है, सारे में फैली हुई है ये, और पोए की तो जहाँ भी बीज गिर जाता है वहीं सारे में उगे हुए हैं। ये देखो, ये करेले की बेल नई है, ये मैंने लगाई है, तो देखो अब ये इसमें चढ़नी शुरू हो गई है। आज मैंने ये इसको ऊपर चढ़ा दिया है, ये फैलती रहेगी अब। ये मिर्च का पौधा है, ये भी पुराना ही है, अब इसमें अभी फ्लावर तो शुरू धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी ये फ्लावरिंग हो रही है शुरू, अब मिर्ची आनी शुरू होंगी इनमें। ये एक भुट्टा भी आ रहा है, अगर बंदर ने छोड़ दिया तो। ये बैंगन का है, इसमें ये बैंगन, दो बैंगन इसमें लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, और हाँ तीसरा भी है छोटा सा, ये भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो ये भी पक जाएंगे। एक तो थोड़ी लेती हूँ, दो तो अभी छोटे हैं। एक ये करेले की बेल इधर भी है, ये भी मैंने लगाई थी, तो अब ये भी ऊपर चढ़ा दिए। ये देखो, ये मिर्च का है, मिर्च में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन अभी कोई मिर्च तो नज़र आई नहीं है। ये लोबिया की है, ये भी हो गई है सब तोड़ने लायक, इनको तोड़ लूँगी। ये लो, भिंडी इसमें हो गई है, ये भी मैं अब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये इधर भी लगी है, इसे भी तोड़ लेती हूँ। ये भी भिंडी है, इसे भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। भिंडी तो दो चार डेली निकलती हैं, अगर दो तीन दिन नहीं आओगे तो वो भिंडी पक भी जाती हैं। एक इधर भी बैंगन है, दूसरे पौधे में, इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ आज। ये भी फूड कचरी की है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, एक छोटी सी लगी भी है इधर। ये देखो, ये मिर्च का पौधा है, पानी नहीं मिला दो दिन से, तो ये भी सूख गया, क्योंकि ये शेड के नीचे है तो यहाँ बारिश का पानी नहीं आता। ये करेले की बेल चल रही है, इसमें एक करेला पहले मैं तोड़ चुकी हूँ, अब इसमें ये आ रहे हैं, लेकिन इतना बढ़ नहीं रहे हैं, ये लगे हुए हैं, और एक इस साइड लगा हुआ है, ये है, एक ये लगा हुआ है। ये दूसरा नींबू का पौधा है, इसमें भी ढेरों ये लग गए हैं, ये कीड़े, ये देखो। ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग है,
आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।